हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप घर पर सकुशल मंगल होंगे और आप घर पर या अपने किसी इंस्टीट्यूट में या जैसे भी आप चाहें अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने इस लर्निंग विद राजेश फैमिली में हमने अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए वर्क करना स्टार्ट किया हुआ है। इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्क में हमने पहले बहुत सारी वीडियोस के जरिए हर रोज़ के 10-12 वर्ड कर लिए हैं। आज हम नियमित रूप से रेगुलरली आज के 10+ वर्ड करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ आएंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। तो देखिए, आज का पहला वर्ड है एपिसोडिक। एपिसोडिक वर्ड एपिसोड से बना है। इट मीन्स हैपनिंग ओनली समटाइम्स एंड इरेगुलरली, यानी कोई चीज़ कभी कभार जो होने वाली है। कल हमने एक सिनोनिम वर्ड पढ़ा था ओकेजनली, यानी कभी कभार। तो ओकेजनली होने वाली चीज़ को हम एपिसोडिक कहते हैं। इट मीन्स कभी कभार होने वाली, हैपनिंग ओनली समटाइम एंड इरेगुलरली। नेक्स्ट इज एपिस्टल। एपिस्टल हेयर मीन्स अ लेटर, धर्म पत्र या काव्य पत्र जो हो उसे क्या कहा गया है, एपिस्टल कहा गया है, अ लेटर कहा गया है। यहाँ पर ये वर्ड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मैंने कई बार एग्जाम में पाया है। नेक्स्ट इज एपिटैप। एपिटैप हेयर मीन्स वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, यानी कब्र पर कई बार जो लोग हैं वो कुछ अक्सर लिख देते हैं, यादगार में कुछ छपा देते हैं उस पर, उस इंगित उस छपे हुए शब्दों को क्या कहा गया है, एपिटैप। आई होप कि आपको ये तीसरा वर्ड आज का अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज एपिथेट। एपिथेट हियर मीन्स एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम, यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी व्यक्ति की या तो निंदा या प्रेज करने के लिए उसके साथ जोड़ा जाता है। तो कई बार हम कहते हैं आइए साहब, यानी आइए से साहब वर्ड है, वो हम उसकी प्रशंसा के लिए जोड़ रहे हैं, तो वो जोड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है, एपिथेट। आई होप इस एग्जांपल से अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज एपिटर्म। एपिटर्म हेयर मीन्स अ परफेक्ट एग्जांपल, जैसे कि पिछले अभी वर्ड एपिथेट में मैंने एक एग्जांपल दिया था, और वो एग्जांपल आप कह सकते हैं कि भाई साहब आपने तो ये परफेक्ट एग्जांपल दिया है, वो परफेक्ट एग्जांपल क्या कहलाता है, एपिटर्म। नेक्स्ट इज एपिटोमाइज। और एपिटोमाइज मींस क्या होता है, टू बी अ परफेक्ट एग्जांपल, यानी किसी के सामने किसी का आइडल बनना, किसी के लिए सटीक उदाहरण बनना क्या कहलाता है, एपिटोमाइज। तो हम कह सकते हैं यू शुड एपिटोमाइज योर सेल्फ टू इंक्रीज और टू इम्प्रूव समवन, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनना चाहिए, एपिटोमाइज बनना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी हेयर कामलेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। इक्वानिमिटी का मतलब यहाँ पर है कि धैर्य रखना, यानी कामनेस रखना, चाहे वो दिमाग की हो या फिर टेम्पर की हो। कई लोग आपने देखा होगा कि वो कैसी भी परिस्थितियाँ हो, या फेवरेबल हो या अगेंस्ट कंडीशन हो, लेकिन वो लोग क्या होते हैं, वो कैसे काम लेते हैं, इक्वानिमिटी से काम लेते हैं। नेक्स्ट इज एरोटिका। एरोटिका हेयर मीन्स बुक्स पिक्चर्स एट्सेट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिज़ायर, यानी ऐसी बुक्स या पिक्चर्स या ऐसी कोई चीज़ जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को इंक्रीज करे, इट्स नोन एज एरोटिका। नेक्स्ट इज
एरुडाइट. एरुडाइट हियर मीन्स अ लर्न्ड और स्कॉलरली पर्सन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो विद्वान हो, जो अच्छा जानकार हो चीज़ों का, उसे क्या कहा गया है? एरुडाइट. इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी रिपीटेड इन द एग्जाम. नेक्स्ट इज एस्पियोनेज. एस्पियोनेज मीन्स प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, यानी किसी की जासूसी करना. हम कह देते हैं ना कई बार, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जासूसी कर रहे हो. इट मीन्स आप क्या कर रहे हो वहाँ पर? एस्पियोनेज कर रहे हो. आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज एटर्नल. एटर्नल मीन्स एग्जिस्टिंग फॉर एवर. ऐसी चीज जैसे हम कहते हैं भगवान क्या है, गॉड, या फिर हम भगवान कहते हैं, हमारा जो भगवान है वो अनंत है, एग्जिस्टिंग फॉर एवर, जिसका कोई अंत नहीं है. अनंत हिंदी में हम पढ़ते हैं और इंग्लिश में हम पढ़े हैं एटर्नल. आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज इटिमोलॉजी. इटिमोलॉजी हेयर मीन द साइंस विच डील्स विद द डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स. ऐसा विज्ञान जो शब्दों के निर्माण से संबंधित हो. जैसे कि हम कई पढ़ते हैं कि ये शब्द इस धातु से बना है, यानी कहाँ से बना है वो शब्द, यानी उस शब्द निर्माण की साइंस को क्या कहा जाता है? इटिमोलॉजी कहा जाता है. आई होप कि आपको अभी अच्छे से याद हो गया होगा. नेक्स्ट इज ईयूफेमिज्म. ईयूफेमिज्म मीन्स बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, अडंबर शैली. यानी कई बार हम ऐसा बढ़ा चढ़ा कर या फिर अडंबर युक्त वर्णों का प्रयोग करके लिखते हैं, तो ऐसी शैली को क्या कहा गया है? ईयूफेमिज्म कहा गया है. नेक्स्ट इज ईयोफोनियस. ईयोफोनियस हेयर मीन्स साउंडिंग प्लीजेंट. कई बार हम कह देते हैं, एक थोड़ा सा ट्रिक में इस वर्ड की तो थोड़ी सी मैंने बनाई है कि ईयूफोन यानी ये वाला फोन क्या देता है हमें? बड़ी प्लीजेंट साउंड देता है. इस फोन में बड़ी प्लीजेंट साउंड आती है, ईयूफोनिक. नेक्स्ट इज ईयूफोरिया. ईयूफोरिया हेयर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. यानी कई बार हम अपनी हरियाणवी कहावत में तो कह देते हैं ईयूफोरिया भाई. ईयूफोरिया मतलब क्यों? बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी. अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज देयर, दैट्स वाई ही इज कॉल्ड एज ईयूफोरिया, अत्यंत खुशी की स्थिति. एंड द लास्ट वर्ड ऑफ टूडे इज एनवेसेंट. एनवेसेंट मीन्स अस्थाई. एनवेसेंट का मीनिंग यहाँ पर है अस्थाई चीज. इट मीन्स ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, एफेमरल और ट्रांजियंट. यानी ऐसी चीज जो कि कुछ समय के लिए हो, उसके लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड. और वन वर्ड क्या यूज करेंगे उसके लिए? एनवेसेंट. आई होप कि आज के वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे, लर्न हो गए होंगे. यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग. जय हिंद.